शब्दों का संसार रचते साहित्यकारों की बात, साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी, कुछ चर्चा नई किताबों की। शब्द संसार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, जिसे लेकर आपके साथ मैं हूं रजनी। के रात दिन दिल ढूंढता
आज 16 सितंबर है, जयंती उस साहित्यकार की जिन्होंने अपने एक असाधारण ग्रंथ की रचना के लिए पैदल ही भारत के गांव गांव की यात्रा की। यह ग्रंथ था दिवंगत हिंदी साहित्य सेवी कोश और इसके रचनाकार थे आचार्य क्षेम चंद्र सुमन। 16 सितंबर 1916 को मेरठ जनपद के बाबूगढ़ नाम के गांव में जन्मे क्षेम चंद्र जी ने केवल 20 वर्ष की उम्र में आर्य नामक एक सामाजिक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। इसके बाद आर्य संदेश, आर्य मित्र, मनस्वी, शिक्षा सुधा और हिंदी मिलाप जैसे पत्रों का भी उन्होंने संपादन किया। 1942 में सुमन जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इसके बाद वो स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। 1956 से क्षेमचंद्र जी ने साहित्य अकादमी में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में दो दशक तक काम करने के बाद 1979 में कई खंडों में प्रकाशित दिवंगत हिंदी साहित्य सेवी ग्रंथ की शुरूआत की, जिसका पहला खंड 1981 में प्रकाशित हुआ।
प्रख्यात हिंदी साहित्य सेवी कोष जैसा असाधारण ग्रंथ लिखने वाले आचार्य क्षेमचंद सुमन 23 अक्टूबर 1993 को स्वयं भी दिवंगत हिंदी सेवियों की सूची में शामिल हो गए। 1984 में उनके साहित्य सेवा के लिए क्षेमचंद सुमन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अपने जीवन काल में सुमन जी ने कई कृतियों की रचना की, जिनमें मल्लिका, बंदी के गान, कारा और अंजलि जैसे संग्रह, नेताजी सुभाष, नए भारत के निर्माता, जीवन ज्योति, अमरदीप और भारत के कर्णधार जैसी जीवनियां शामिल हैं। उन्होंने ऐतिहासिक पुस्तकें भी लिखी, जिनमें हमारा संघर्ष, आजादी की कहानी, हम स्वाधीन हुए और अगस्त क्रांति प्रमुख है, जाने अनजाने, रेखाएं और संस्मरण, चमकते जीवन महकते संस्मरण और मेरे प्रिय मेरे आराध्य उनके मशहूर संस्मरण हैं। क्षेमचंद सुमन ने कई निबंध भी लिखे, जैसे प्रभाकर निबंधावली और सुमन सौरभ। सुमन जी ने बच्चों के लिए भी साहित्यिक रचना की, जिसमें खिलौने वाला, ये भी बोलते हैं और इतना तो सीखो जैसी रचनाएं शामिल हैं। क्षेमचंद जी ने कई काव्य संकलन, भाषा परिचय, कहानी गल्प, एकांकी, निबंध संस्मरण आदि का संपादन और संकलन भी किया। उनकी जयंती पर आचार्य क्षेमचंद सुमन को एफएम गोल्ड की श्रद्धांजलि। खुश रहो अहल वतन, हो हम तो सफर करते हैं, राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहल वतन, हो हम तो सफर करते हैं। चल गए जो धूप में तो छाया हो गए, जल गए जो धूप में तो छाया हो गए, आसमां का कोई कोना थोड़ा सो गए, जो गुजर बस हो उस पे गुजर करते हैं, राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहल वतन, हो हम तो सफर करते हैं। खुश रहो अहल वतन, हो हम तो सफर करते हैं।
आते आते रस्ते मुड़ गए, हम ठहर जाए जहां हो उसको शहर करते हैं, राह पे रहते हैं यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हो हम तो सफर करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवारजनों के साथ बैठ करके हल्के फुल्के वातावरण में अपने मन की बातें साझा कर रहा हूं, आपके मन से जुड़ रहा हूं। आपके फीडबैक, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। ओ राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, घर से दूर पहली बार। अरे मेरी दाल, आप बात करो ना। मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो और हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर और जारी है शब्द संसार। और वक्त आपको बता दें 10:32:20।
24 के प्रतिष्ठित श्री लाल शुक्ल पुरस्कार के लिए रेनू यादव को चुना गया है। ये सम्मान हिंदी साहित्य में ग्रामीण और कृषि जीवन के उत्कृष्ट चित्रण के लिए दिया जाता है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रेनू यादव की प्रमुख कृतियों में उनकी आलोचनात्मक पुस्तक महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना का मनोविश्लेषण, काव्य संग्रह मैं मुक्त हूं और उनकी संपादित पुस्तक साक्षात्कारों के आईने में सुधा ओम धींगरा प्रमुख हैं। सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे
सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है दादी से दीदी, दीदी के साथ है सारे। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। से निकले रो सवेरा दूर करे अंधियारा, रेसे रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। गुनगुन गा गा गा, माँ से मध्यम माँ माँ माँ, पा से एक पुजारी। ता सारे का गम पा गम गा गम पा पमरे माँ गा। हाँ, ता सारे का गम पा गम गा गम पा पमरे गा। ता गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। लाला 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 लाला। मा धा पा गा पा धा से धूप सुनहरी है ये नींद नशीली लागे। धा से धूप सुनहरी है ये नींद नशीली लागे। सा
सारे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा प सारे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा प सरगम के साथ ही सरगम की धुन पे गाते चले सरगम के साथ ही सरगम की धुन पर गाते चले पापा नहीं है धानी सी दीदी दीदी के साथ है सारे सारे हाल ही में संपन्न हुए देवघर पुस्तक मेला 2024 के साहित्य सेवी सम्मान से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और लेखक लक्ष्मी नारायण मीणा को सम्मानित किया गया। देवघर की महाविद्या संस्था दो दशकों से हर साल देवघर में पुस्तक मेले का आयोजन कर रही है, जिसमें हिंदी साहित्य में देश विदेश में अपनी अतुलनीय भूमिका निभाने वाले विशिष्ट लेखक और साहित्यकारों को भाषा सेतु, साहित्य सेवी और प्रवासी हिंदी सम्मान से अलंकृत किया जाता है। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं, ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। लोगों की मदद के लिए
सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहैबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं शब्द संसार, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं साहित्य जगत से जुड़ी हुई जानकारी और साहित्यिक गतिविधियों की लेखा जोखा। वक्त आपको बता दें 10:50 और 10 सेकंड हो चुके हैं। बाहर उजाड़ा
नाटक एक ऐसी विधा है जो हजार साल से भारतीय साहित्य का हिस्सा रही है और आज भी साहित्य की प्रमुख विधाओं में से एक है। हाल ही में प्रकाशित विनय कुमार रचित आत्मज एक काव्य नाटक है जो एक ऐसे मनोचिकित्सक की कृति है जिसमें पारंपरिक रूप से संस्कृत और हिंदी रंगमंच परंपरा के नियमों का निषेध करते हुए मूलतः क्षरण और विडंबनाओं को केंद्र में रखा गया है। ये नाटक आधुनिकता और ऐतिहासिक गल्प के बीच का ताना बाना है। यहाँ आम्रपाली, अजातशत्रु, राहुल और भरत मुनि भी उपस्थित हैं, तो दूसरी ओर राहुल और विमल जैसे आधुनिक पात्र भी अपने सवाल लेकर खड़े हुए हैं। और अब शब्द संसार से रजनी को इजाजत दीजिए, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। तस्वीर आप सुनेंगे 11:10 पर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर।